तो ये आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन। हम परिवारवादी पार्टियों के खिलाफ लड़ते रहेंगे और परिवारवादी पार्टियों को लोकतंत्र का सबसे बड़ा दुश्मन करार दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। कांग्रेस पार्टी पर एक तरह से हमला बोलते हुए नजर आए पीएम मोदी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इस संबोधन के जरिए किया है। 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी और उसके बाद 2 सीटों से लेकर आज तक का जो शानदार सफर तय किया है बीजेपी ने, उसका जिक्र करते हुए पीएम मोदी नजर आए। 42वां स्थापना दिवस मना रही है भारतीय जनता पार्टी। तो प्रधानमंत्री मोदी को आप सुन रहे थे और ये बीजेपी का 42वां स्थापना दिवस। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी का ये संबोधन था। पार्टी बड़े स्तर पर कई कार्यक्रम इस दौरान आयोजित कर रही है और प्रधानमंत्री मोदी देखिए वर्चुअली सबके साथ जुड़े थे। कार्यकर्ताओं, मंत्रियों, सांसदों, विधायकों को संबोधित कर रहे थे, जिसमें क्या बड़ी बातें रही वो आपको बता रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हर कार्यकर्ता का दायित्व लगातार बढ़ता जा रहा है, भाजपा के प्रत्येक कार्यकर्ता का दायित्व बढ़ रहा है और इसीलिए प्रत्येक कार्यकर्ता देश के सपनों का प्रतिनिधि है, देश के संकल्पों का प्रतिनिधि है। अमृतकाल में भारत की सोच आत्मनिर्भरता की है, लोकल को ग्लोबल बनाने की है, सामाजिक न्याय और समरसता की है और इन्हीं संकल्पों को लेकर एक विचार बीज के रूप में हमारी पार्टी की स्थापना हुई। कुछ इसी तरह से स्थापना दिवस के संबोधन की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी ने की और साथ ही परिवारवादी पार्टियों पर जमकर हमला बोला। कहा आज लोकतंत्र के लिए यह सबसे बड़ी दुश्मन है। जी बिल्कुल, और 42वें स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन, वर्चुअली ये संबोधन उन्होंने किया और इस संबोधन को पूरे देश के कार्यकर्ताओं ने आज पार्टी ऑफिस में बैठकर और जहां जहां कार्यक्रम सुनने के लिए स्थान निर्धारित किया गया था वहां पर इस कार्यक्रम को सुना गया। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।